जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं विपिन कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल वेप स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, हम आपको मैथ पढ़ा रहे हैं और मैथ में जो हमारा टॉपिक चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस। अब तक हमने आपको 4 लेक्चर प्रोवाइड करा चुके हैं, आगे का लेक्चर आपको कंटिन्यूसली मतलब मिलता रहेगा, तो आप हमारे साथ बने रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। आप आगे के जो हमारे लेक्चर आएंगे होंगे उनको भी हमारे साथ लगातार देखते रहिए, और जो हमने पीछे आपको जो 4 लेक्चर कराए हैं उनका आप रिवीजन बार बार करते रहिए, क्योंकि जो हमने आपको क्वेश्चन कराए थे वो, जैसे कि अब UPSI का पेपर होने वाला है, UPSI का पेपर के लिए अपडेट भी आ जाएगी। लॉकडाउन खुल चुका ही है, 20 हमारे उत्तर प्रदेश के 20 जिलों में ही अब मतलब लॉकडाउन लगा हुआ है, और बाकी में कुछ गाइडलाइंस के साथ में खोल दिया गया है। तो आप अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी पढ़ाई में दीजिए, अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। तो क्योंकि एग्ज़ाम की डेट अब जल्दी ही आ जाएगी, यानी 1 महीने के अंदर ही, जहाँ तक हो सकता है कि 1 या 2 महीने के अंदर हमारा एग्ज़ाम होने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रही है। तो दोस्तों, आज हम जो क्वेश्चन आपको कराएंगे, यानी कि लेक्चर 5 चलेगा, इम्पोर्टेंट हम सारे आपको क्वेश्चन करा रहे हैं, जो प्रीवियस पेपर में आए हुए उन क्वेश्चन को उठाते हैं, और कंसेप्ट भी आपको अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे मैं उम्मीद करता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं हम नए क्वेश्चनों के साथ में, नए कंसेप्ट के साथ में। वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपकी सपोर्ट से हमारा भी थोड़ा चैनल ग्रो कर पाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। तो दोस्तों, बढ़ते हैं हम क्वेश्चन पर। क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, हम सिंपल से टाइप से लेके चल रहे हैं, यानी कि टाइप हमारा ये जो पीछे करवाया था उससे नेक्स्ट है। तो आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन जो है पेपर में UPSI 2017 में 3 या 4 साइड में इस तरह के क्वेश्चन मिले थे। तो आप इस टाइप में तो सिंपल क्वेश्चन है, तो इस तरह के क्वेश्चन को भी आप जरूर अच्छे से पढ़ लेना। क्या कहा गया है, 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। सॉल्यूशन देख लीजिए किस प्रकार करेंगे, यानी कि 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या होता है, हमारा सेलिंग प्राइस बराबर है, यानी 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ या हानि प्रतिशत, यहाँ से हम क्या करेंगे, SP और CP का रेशो निकाल लेंगे, यानी CP/SP यदि हमें निकालना होगा तो किस प्रकार हो जाएगा हमारा, यानी कि SP के नीचे और ये, यानी ये हो जाएगा 9/12। ठीक है दोस्तों, इसको इस तरीके से हम लिख लेंगे, आगे भी इसको सोल्व कर सकते हैं। 3 * 9 = 3 * 12, यानी 3/4। अब देखो, कोई वस्तु 3 रुपये की थी और बेच कितने में थी, 4 रुपये में, तो कितने का फायदा हुआ, 1 रुपये का, भाई 1 रुपये का तो प्रॉफिट हुआ है, कितने पर, 3 पर। अब हमें निकालना है प्रतिशत, लाभ प्रतिशत है, यानी प्रॉफिट परसेंट हम किसको बेस मान के करते थे, कॉस्ट प्राइस को, यानी कॉस्ट प्राइस P/100, ये तो होता है हमारा प्रॉफिट कितना है रुपये में, 1 में, कॉस्ट प्राइस कितना है, 3 × 100, तो यहाँ से प्रॉफिट परसेंट 1/3 × 100 कितना होता है, मैंने आपको याद भी कराया था, ये कितना होता है, 33.1%, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, आप इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते थे, मैंने बिल्कुल डिटेल से बता दिया। इसको आपको शूट करना है पेपर में टाइम बचाने के लिए, तो डायरेक्ट आप सीधा सीधा ये लाइन में लिखकर क्या करोगे, यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का सिंपल रेशो निकालेंगे। रेशो कैसे निकालेंगे, जो विक्रय मूल्य के साथ वाली संख्या है वो तो चली जाएगी हमारे कॉस्ट प्राइस पर, जो सेलिंग प्राइस वाले जो हमारा सॉरी कॉस्ट ये है जो हमारी विक्रय मूल्य की वो चली जाएगी कॉस्ट प्राइस पर, और जो हमारी कॉस्ट प्राइस वाली है वो चली जाएगी सेलिंग प्राइस पर। ठीक है, इस तरीके से हम डायरेक्ट, यानी कि इन दोनों का उल्टा कर देते हैं डायरेक्ट वैल्यू निकालने के लिए। अब यहाँ से इसको काट लो, ये कट गया, 3 से 4 हो गया, तो 1/3 × 100 = 33.1%, ये इतना प्रॉफिट हो गया। ठीक है दोस्तों, डायरेक्ट आपको पेपर में इस तरीके से ही करना है, इतना सारा इस तरीके से ना लिख कर। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसी प्रकार के 2-3 क्वेश्चन आपको करा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ये भी सेम उसी तरीके से करेंगे, कैसे करेंगे, डायरेक्ट क्या बताया था, CP/SP का रेशो, जो हमारी विक्रय मूल्य वाली वो तो चली जाएगी हमारी कॉस्ट प्राइस के नीचे, और जो सेलिंग प्राइस जो क्रय मूल्य वाली
वस्तुएं है वो चले जाएंगी सेलिंग प्राइस पर। इस तरीके से हमने इसको उल्टा करके निकाल लेते हैं। तो जीरो से जीरो कैंसिल, कितना हो गया 4:5, 4 की वस्तु 5 में बेची जा रही, प्रॉफिट 8 का 1/4 प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 1/4 × 100 यानी 25% का क्या हो गया प्रॉफिट। ये दोस्तों ये हमारा आंसर समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 60% उसके विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है, तो क्रय मूल्य पर लाभ या हानि प्रतिशत है। ऑप्शन हमारे ए 20% हानि, सेकंड है 16/2/3% लाभ, 30% लाभ, 10% लाभ। तो उसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये भी अब देखो इस चीज को देख के मतलब घबरा जाना कि ये तो प्रतिशत में दे दिया, अभी तक तो सिंपल संख्या में था, तो ये भी सेम उसी तरह हो जाएगा सिंपल। आपको मैं बता देता हूँ, यानी किसी वस्तु के क्रय मूल्य यानी जो पोस्ट प्राइस का 60% ये तो होगा बराबर है उसके सेलिंग प्राइस के 50% के। बस प्रतिशत से हम प्रतिशत काट देंगे, 5 ये 0 से 0 कट जाएगा, यानी CP/SP जो हमारा होगा 5/6 हो जाएगा, यानी 5 रुपये की वस्तु 6 रुपये में बेच दी तो कितने का प्रॉफिट 1 का, कितने पर 5 पर, प्रतिशत के लिए 100 से गुना, तो 5 से 100 काट देंगे कितनी बार 20 बार, कितना हो गया 20%। लेट इज आंसर। ठीक है दोस्तों समझ आ गया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आप इन क्वेश्चन को स्वयं भी से भी करने की कोशिश कर रहे होंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, यदि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत क्या होगी। अभी तक हमने लाभ प्रतिशत निकाला, इस बार क्या निकालना है हानि प्रतिशत। ऑप्शन हमारे 25% हानि है, 50%, 33% और या 20%। करते हैं कैसे करेंगे, इसका भी करने का तरीका वही है, यानी CP/SP का यदि हमें रेशो निकालना है तो किस प्रकार निकालेंगे। जो यानी क्रय मूल्य वाली वस्तु का वस्तु है वो चली जाएगी सेलिंग प्राइस के अकाउंट में, और जो हमारी विक्रय मूल्य वाली वस्तु वो आ जाएगी कॉस्ट प्राइस में, यानी 15। ठीक है, अब यहाँ से इनका सोल्व कर सकते हैं हम, 5 से कट जाएगा 3 बार, 5 से कट जाएगा 2 बार, यानी जो रेशो हो गया 3:2, यानी कोई वस्तु 3 रुपये की खरीद कर 2 रुपये की बेची जा रही है तो हमें क्या हो रहा है नुकसान हो रहा है हानि, तो कितने रुपये की हानि हो रही है 1 रुपये की हानि। परसेंट निकालते हैं हम कॉस्ट प्राइस को बेस मानकर, तो कॉस्ट प्राइस कितना है 3, हानि कितने की हुई है 1 की मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये कितना आता है इसका सॉल्यूशन 33.33%, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं इसी तरीके के 2 क्वेश्चन और कराते हैं हम आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, यदि 318 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 212 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ऑप्शन हमारे 20%, 33/3%, 40% और हमारा 33/3%। तो करते ही उसी तरीके से हो जाएगा, CP/SP का रेशो निकाल लो, जो CP की जो वैल्यू आएगी कौन सी आएगी, जो हमारी ये 318 वस्तुओं का विक्रय मूल्य वाली, यानी विक्रय मूल्य की जो वस्तु है वो CP के अकाउंट में, जो हमारी क्रय मूल्य की जो वस्तु है वो आ जाएगी हमारी सेलिंग प्राइस पर, यानी 200। अब इसको यहाँ से स्क्रॉल कर लेंगे, इसको काट लो, 5 से कट सकता है, 2 से काटा तो हम 2, 5 और 9, 2 से कटेंगे 2, 0, 6। ठीक है जी, अब कितने से कट जाएगा 53, 2, 106 और 53। ठीक है जी, 100, तो रेशो हो गया 3:2। अब 3 की वस्तु 2 में बेची जा रही है, फिर पहले वाली कंडीशन बन गई, तो 1 तो कितने प्रतिशत की हानि होगी 1/3 × 100 यानी 33/3%। ये आंसर यानी ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड। ये दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन हमारा, यदि 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 25 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत, बिल्कुल सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह है। ऑप्शन हमारे 20%, 25%, 22% और 24% हानि हमें बताई नहीं थी, तो आप हमें बता सकते हैं। तो ऑप्शन भी देख आपने देख लिए होंगे। तो दोस्तों आप इस
क्वेश्चन के कमेंट करके हमें आंसर बताइए क्या, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हमने आपको 2-3 क्वेश्चन करा दिए हैं, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ भी आ गए होंगे। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट करके बताइए, हम फिर आगे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेकर चलते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर। आगे क्वेश्चन है, एक व्यापारी को 25 मीटर कपड़ा बेचने पर 5 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तदनुसार उस व्यापारी का लाभ प्रतिशत कितना होगा। ठीक है जी, अच्छा क्वेश्चन है, समझ लो आप अच्छे से। 25 मीटर कपड़ा जब बेचता है, बेचने पर 5 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तदनुसार उस व्यापारी का लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। यानी जो हमारा एक व्यापारी, वो जब 25 मीटर कपड़ा बेचता है, यानी सेलिंग प्राइस जब कितना करता है 25 मीटर, तो उसको प्रॉफिट जो होता है कितने कितने, यानी कि प्रॉफिट होता है बिक्री मूल्य के 5 मीटर कपड़े के। ठीक है दोस्तों, यानी इस कंडीशन का मतलब ये है, 25 मीटर कपड़ा बेचने पर 5 मीटर कपड़े का प्रॉफिट हो रहा है, कुल मिला के बात ये है। तो हमें क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत हमको बताना है, और ये भी देख लेना बिक्री मूल्य के, ठीक है जी, बिक्री मूल्य पर हो रहा है। क्योंकि अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले कॉस्ट प्राइस चाहिए हमें, क्योंकि प्रतिशत लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हम बेस कॉस्ट प्राइस को मानते हैं, तो हमें सबसे पहले कॉस्ट प्राइस की वैल्यू पता होनी चाहिए। कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, यानी कोई वस्तु 25 रुपये में बेची जा रही है और 5 रुपये का उस पर प्रॉफिट हो रहा है, तो उसका यानी वो खरीदी कितने में गई होगी, SP - P, यानी कि सेलिंग प्राइस में से हम लाभ हटा देते हैं, तो 25 - 5 = 20, यानी कॉस्ट प्राइस उस वस्तु का कितना होगा, 20 होगा। अब हमको निकालना क्या है, प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या था हमारा, कॉस्ट प्राइस यानी 20, प्रॉफिट कितना 5 × 100, ये कट जाएगा हमारा 5×20 और 4 से कट जाएगा कितनी बार, 25 बार, यानी कि जो प्रॉफिट परसेंट हुआ कितना हो जाएगा, 25%। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, यानी ऑप्शन कौन सा ठीक है हमारा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट ले लो, इस तरह के क्वेश्चन हम आपको आगे भी करवाएंगे। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक कपड़ा विक्रेता 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। जब वो 33 मीटर कपड़ा बेचता है, तो उसको 11 मीटर कपड़े के जो बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है, तदनुसार उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। ऑप्शन 40%, 22%, 50% या 11%। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन पर, देखते हैं किस प्रकार इसका सॉल्यूशन होगा। यानी जो हमारा विक्रेता है 33 मीटर कपड़ा बेचता है, सेलिंग प्राइस बेचता है, तो सेलिंग प्राइस 33 मीटर, तो उसको जो प्रॉफिट होता है बिक्री मूल्य के लाभ पर कितना, 11 मीटर, ये हमारे मीटर में हो गया। ठीक है, यानी कि जब 33 मीटर कपड़ा बेच दिया, तो उसको जो लाभ प्राप्त हुआ है ना, वो सेलिंग प्राइस के 11 मीटर कपड़े बेचने के बराबर हुआ है। तो यहाँ से हमें उसका लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, यहाँ सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। कॉस्ट प्राइस 33 - 11 = 22। अब कॉस्ट, यहाँ से हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। प्रॉफिट परसेंट यानी कि 22, प्रॉफिट कितने का, 11 का, मल्टीप्लाई बाई 100, कितनी बार, 2 बार कट जाएगा, 2 से कितनी बार, 50 बार, यानी कितना हो गया, 50%। ऑप्शन कौन सा ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया है, क्वेश्चन देखिए क्या है। समान क्रय मूल्य वाली 14 घड़ियों को 450 रुपये प्रति घड़ी की दर से बेचने पर 4 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। तो एक घड़ी का क्रय मूल्य है 350 रुपये, 360 रुपये, 375 या 400 रुपये। अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए। यानी कि जब क्रय मूल्य वाली 14 घड़ी है को 450 रुपये प्रति घड़ी की दर से बेचते हैं, तो 4 घड़ी के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। इस बार जो प्रॉफिट हो रहा है वो क्रय मूल्य के बराबर है, यानी जो ये 14 वैल्यू है, ये किस चीज़ की हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस की। ये यानी कि जो वैल्यू दी हुई है 14, ये क्या है, कॉस्ट प्राइस है। क्योंकि यहाँ पे जब विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा था, तो वहाँ पे सेलिंग प्राइस था, तो यहाँ पे क्रय मूल्य है, तो ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। और जो प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 4 का। और यहाँ से यदि मुझे सेलिंग प्राइस में निकालता हूँ, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 14 + 4 = 18। ठीक है जी, और जो ये 18 जो वैल्यू है वो कितने रुपये के बराबर है, 450 रुपये के।
समझ आई ना, ये जो 18 है ये वैल्यू कितने रुपए के बराबर है, 450 रुपये, यानी कि 18 यूनिट बराबर है 450 के। इसका कितने गुना, ये हो जाएगा हमारा 18 × 36 और 18 × 90, यानी इसका 25 गुना। तो हमें बताना तो क्रय मूल्य, तो एक घड़ी का कॉस्ट प्राइस कितना हो, यानी कॉस्ट प्राइस 14, तो ये भी इसका कितना 25 गुना हो जाएगा। 25 × 4 = 100, 25 × 1 = 25 और 10 = 350। ठीक है दोस्तों, आंसर कितना हो गया, 350। समझ में आया, एक बार और देख लीजिए। इस बार का है जो समान क्रय मूल्य वाली 14 घड़ियां हैं को 450 रुपये प्रति घड़ी, यानी कि एक घड़ी की जो मूल्य है वो कितना है, 450 रुपये घड़ी है, के दर से बेचने पर 4 घड़ी के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। जो प्रॉफिट हो रहा है वो इस बार क्रय मूल्य के बराबर हो रहा है, तो एक घड़ी का क्रय मूल्य कितना होगा, यानी कि जो हमारा प्रॉफिट है वो कॉस्ट प्राइस के बराबर है, यानी जो ये 14 है ये कॉस्ट प्राइस की वैल्यू है, यानी सीपी कितना हो गया 14, प्रॉफिट हो रहा है हमें 4 का। तो यहाँ से यदि मैं सेलिंग प्राइस निकालता हूँ तो सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, यानी कि 14 + 4 = 18, और ये 18 किसके, यानी 18 यूनिट इक्वल है हमारे 450 के, यानी 450 के, और 18 450 का कितने गुना होता है, 25 गुना। इसी प्रकार जो हमारा घड़ी का, यानी कि एक घड़ी का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 14 ना होगा कितना, 25 टाइम, तो इसका कितना है, 14 का 25 गुना कितना होता है, 350। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पर क्वेश्चन हमारा है, 17 गेंद को 720 रुपये में बेचने से 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो एक गेंद का क्रय मूल्य क्या होगा। ऑप्शन 45 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये या 55 रुपये। करते हैं जी, कैसे करेंगे हम इसको, इस क्वेश्चन को करने का तरीका सिंपल सा आपको कराते हैं, हम कैसे करते हैं। देखो कॉस्ट प्राइस क्या होता है हमारा, फॉर्मूले से बता रहा हूँ आपको, सिंपल है, बेसिक है। कॉस्ट प्राइस होता है हमारा सेलिंग प्राइस, ठीक है जी, माइनस प्रॉफिट, ये होता है हमारा कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस और क्या होता है हमारा, सेलिंग प्राइस प्लस लॉस, ये दोनों हमारे कॉस्ट प्राइस के फॉर्मूले हैं। तो इन दोनों फॉर्मूलों का हम यूज करेंगे, आप देख लीजिए, पीछे मैंने आपको लिखवा दिए थे। इन फॉर्मूलों का यूज करते हुए हम करते हैं, यानी कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, ठीक है जी, और प्लस लॉस। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। अब कहा है 17 गेंद को 720 रुपये में बेचने से 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो ये गेंद का क्रय मूल्य मान लिया हमने, गेंद का क्रय मूल्य कितना है, x है, गेंद का क्रय मूल्य x मान लिया, तो 17 गेंद का कितना हो जाएगा, 17x कॉस्ट प्राइस, और उसको बेच कितने में रहा है, 720 रुपये में। हानि कितनी होती है, 5 गेंद के क्रय मूल्य के, 5 गेंद के क्रय मूल्य, क्रय मूल्य एक गेंद का कितना माना है x, यानी कि जो l बराबर क्या दिया है, cp, ठीक है जी, ये कितना है, यानी कि l बराबर cp दिया है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एक गेंद का क्रय मूल्य हमने x माना है, तो 5 गेंद के हानि क्रय मूल्य के बराबर होगी, तो ये 5x हो जाएगा। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, 17x - 5x = 720, यानी कि 12x = 720, और x बराबर 12 × 12 वार्षिक 72, 60 रुपये, यानी कि जो एक गेंद का कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा, 60 रुपीज़। समझ में आया, एक बार और देख लीजिए, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। 17 हमने एक गेंद का कॉस्ट प्राइस मान लिया है x रुपये, तो 17 गेंद का कितना हो जाएगा, 17x, और ये हमारा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट कर दी, सेलिंग प्राइस 720, एल क्या है, एल हमारा कॉस्ट प्राइस के बराबर है, तो 5x यहाँ से सोल्व करा तो 60। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब आते हैं हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चनों पर। ये जो टाइप है, इस टाइप का क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से लगभग सभी पेपर, यानी कि चाहे UPSI हो, रेलवे ग्रुप डी, NTPC, और जी आपका SSC में भी काफ़ी बार SSC, MTSC, CHSL, ठीक है, तो इस तरह के सभी पेपर में, यानी कि फिक्स टाइप क्वेश्चन है, तो इस तरह के क्वेश्चन पेपर में बनता है, तो आप इसको अच्छे से समझ लो, ठीक है। जिसको इस कैसे करते हैं देख लीजिए। एक व्यक्ति 5 रुपये में 6 के भाव से पेंसिल खरीदता है तथा 6 रुपये में 5 के भाव से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। करने का तरीका हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से आप इसको करेंगे। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, क्वांटिटी और रुपीज़। अब 5 रुपये में 6 के भाव से वस्तु खरीदता है, यानी ये हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस। उसके बाद
₹6 में 5 के भाव से बेचता है, तो ये हो गया सेलिंग प्राइस। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा हमें ये निकालना है। इसका मैं आपको शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा, दो तरीके से इस क्वेश्चन को हम आपको कराएंगे। कैसे कर देते हैं, अब यहाँ से सबसे पहले इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। यहाँ पर देखो ₹5 में कितनी वस्तु है, 6। यदि मुझे एक वस्तु का प्राइस निकालना हो तो कितना हो जाएगा भाई, 6 वस्तुओं का 5 है तो एक वस्तु का कितना हो जाएगा हमारा, 5/6। इसी प्रकार यहाँ पर भी 5 वस्तु का मूल्य, जो 5 वस्तु ₹6 में बेची जा रही, तो एक वस्तु कितने रुपये में बेची जाएगी, 6/5। ठीक है, समझ आ रही है, यानी कि एक जब 5 वस्तु ₹6 में बेच दी तो एक वस्तु कितने रुपये में बेची जाएगी, 6/5 में। अब इससे आगे कैसे करेंगे, इससे आगे करने का तरीका जो है, अब जो ये हर वाली संख्या, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, इन 5 और 6 का एलसीएम कितना होता है, 30, तो 30 से मल्टीप्लाई यहाँ पर करा दीजिए और 30 से मल्टीप्लाई यहाँ पर। 6 से ये 5 बार चले जाएगा और 5×5=25 हो जाएगा। इसी प्रकार 5 से ये 6 बार चले जाएगा और 6×6=36 हो जाएगा। अब यानी कुल मिलाकर बात यह होती है कि 25 कोई मतलब ₹25 की वस्तु अब ₹36 में बेची जा रही है, तो यहाँ से हम प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा, यानी कि ये पोस्ट प्राइस हो गए हमारा और ये हो गए हमारा सेलिंग प्राइस। तो यहाँ से 25 की वस्तु जब हमारी 36 में बेची गई तो कितने रुपये का प्रॉफिट हुआ है, ₹11 का। कितने का, ₹11 का। कितने पर हुआ है, 25 पर, प्रॉफिट परसेंट हमारा निकल जाएगा ₹11 का प्रॉफिट 25 पर। प्रॉफिट परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 25 × 100 और 11×44। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो प्रॉफिट परसेंट होगा वो कितने परसेंट हो जाएगा हमारा, 44%। एक तरीका तो हमारा ये होगा, इस तरीके से हम इसको कर सकते थे। आप सेकंड और भी इसको शॉर्टकट करना चाहते हो तो सेकंड तरीका क्या है, यहीं पे आप देख लीजिए इसको, ये मैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो फिर मैं रफ कर देता हूँ। देखो तो आप देख लीजिए आगे इसको, दूसरा तरीका क्या है इसका करने का। दूसरा तरीका है डायरेक्ट, आप क्या करोगे, इसके साथ में इसकी मल्टीप्लाई, इसके साथ में इसकी मल्टीप्लाई, 5 की मल्टीप्लाई 5 में कराएंगे, उसको लिखे जाएगा यहाँ पर, यानी कि 5×5=25। इसी प्रकार 6 की मल्टीप्लाई 6 में 6×6=36। तो यहाँ से भी वही कंडीशन बनती है, यहाँ से प्रॉफिट 11 का, 11/25 मल्टीप्लाई बाई 100 = 44%। ठीक है जी, तो आपके, आप वो बीच के एक दो जो स्टेप हमने पीछे बताए थे वो काट सकते हैं, अगर इसी तरीके का क्वेश्चन होता है। लेकिन वो जो तो तरीका हमने आपको बताया है, उस कंसेप्ट से आप करोगे तो अच्छा होगा, क्योंकि आने वाले क्वेश्चन पर उस कंसेप्ट का बहुत ज़्यादा यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, एक दुकानदार 11 नींबू 10 रुपये में ख़रीदता है और 11 रुपये में 10 नींबू बेच देता है, इस व्यवसाय में उसे कितने प्रतिशत हानि या लाभ होगा। ठीक है जी, अच्छा क्वेश्चन है, सेम पहले की तरह इसको भी इसी प्रकार करेंगे। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, क्वांटिटी रुपीस, और 10 रुपये में 11 नींबू खरीद रहा है और 11 रुपये में 10 नींबू बेच रहा है, तो प्रॉफिट या लाभ बताना है। तो डायरेक्ट क्या बताया था, इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई, इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई, यानी कि 10 की 10 में गुना तो 100, 11 की 11 में 121। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट, सीधा सीधा कितना, 100 का सामान 121 में बेचे जा रहा है तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 21 रुपये का। अब प्रतिशत के लिए, प्रॉफिट परसेंट के लिए क्या करेंगे, 21/100 मल्टीप्लाई बाई 100, कितना हो गया, 21%। अब डायरेक्ट यहाँ से जो ये आया है इसको भी बता सकते थे, जब हमारा कॉस्ट प्राइस 100 हो तो 100 से जितने भी ऊपर में बेचा जाएगा वही उसका प्रॉफिट परसेंट होता है, ये करने की आपको आवश्यकता नहीं थी। तो इसका जो आंसर होगा वो 21% हो जाएगा, इस तरीके से कर लीजिए, या पीछे हमने आपको दोनों तरीके बता दिए थे, कोई से तरीके से आप कर सकते हो। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13 पर आ चुके हैं, अच्छा क्वेश्चन है। कुछ टोफियाँ 10 रुपये में 11 के भाव से तथा उतनी ही टोफियाँ 10 रुपये में 9 के भाव से खरीदी गई, यानी कि इस बार जो टोफी है हमने 2 बार खरीदी है, यदि कुल टोफियों को 1 रुपये प्रति टोफी के भाव से बेचा गया हो तो पूरे सौदे में लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत होगी, ये हमको बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा बढ़ा दिया है पीछे वाले कंसेप्ट से, एक स्टेप आगे बढ़ाया है, यानी कि हमने क्या बताया था, कॉस्ट प्राइस, अब 2 बार खरीदी गई है तो 2 बार कॉस्ट प्राइस और फिर सेलिंग प्राइस,
यहाँ पर हमारी क्वांटिटी और यहाँ पर रुपीज़ में वैल्यू। तो 10 रुपये में सबसे पहले 11 वस्तु खरीदी, उसके बाद तथा उतनी ही टॉफियाँ 10 रुपये में 9 के भाव से खरीदी, यानी कि 10 रुपये में 9 के भाव से खरीदी गई। यदि कुल टॉफियों को 1 रुपये में 1 रुपये प्रति टॉफी के भाव से बेच दी, यानी कि 1 रुपये में 1 टॉफी बेच दी, तो हमें लाभ होगा या हानि, ये हमको बताना है। तो करते हैं जी, कैसे करेंगे आपको सिंपल मैंने बताया था। यहाँ से हम करेंगे, 11 टॉफी का मूल्य 10 रुपये है, तो 1 टॉफी का मूल्य कितना हो जाएगा, 10/11। इसी प्रकार 9 टॉफी का मूल्य 10 रुपये, तो 1 टॉफी का मूल्य 10/9। ठीक है जी, अब यहाँ से इसको सोल्व करेंगे। सोल्व कैसे करेंगे, मैंने बताया था जो हर वाली वैल्यू है इन दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं, तो इनका एलसीएम कितना, 9 और 11 का एलसीएम 99। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, 11 9 99 और 9 10 90, 9 से काटेंगे 99 11 बार और 11 के 10 110। अब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर क्या होगा, 1 टॉफी यानी 1 रुपये की, यानी 1/1, ये तो कंडीशन है। मल्टीप्लाई किससे कराएंगे, यहाँ पे जो हम मल्टीप्लाई कराते हैं, जो ये 2 9 99 और 99 होगी इन दोनों के योग से, तो 99 और 99 198। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से ये कट कुटा के कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 198 ही। तो यानी कुल मिला के जो कॉस्ट प्राइस टोटल हुआ है दोनों बार, जब दो बार वस्तु खरीदी गई, 90 और 110, टोटल कितना हो गया 200। यानी अब बात यहाँ पर आ गई है कि 200 रुपये की कोई वस्तु 198 रुपये में बेच दी गई। तो सिंपल से हमें पता लग रहा है कि यहाँ पे हमें क्या हुआ, नुकसान ही हुआ है, क्योंकि 200 रुपये की वस्तु को जब 198 रुपये में बेचेंगे तो हमें नुकसान होगा। अब नुकसान कितना हुआ है, 2 रुपये का, कितने पर, 200 पर। तो यहाँ से हम लॉस परसेंट निकालेंगे, तो 2/200 मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा हमारा, 100। ठीक है जी, तो 200 से 200 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये यानी कि 200/200 हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, कट के कितना आ गया, 1% की हमें क्या हुई है, हानि यानी लॉस, दैट इज आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा, देख लीजिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ गए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक दुकानदार 11 नींबू 10 रुपये में ख़रीदता है, ये हमारा 10 रुपीज़। ठीक है जी, 10 रुपये में ख़रीदता है और 11 रुपये में 10 नींबू बेच देता है, तो उसे 42 रुपये का लाभ देने के लिए कुल कितने नींबू बेचने होंगे। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन उसी तरीके से होगा, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज की है, और इस बार हमें यानी कि नींबू की संख्या बतानी है। अब तक हम प्रतिशत या प्रॉफिट परसेंट हो रहा था हमें, या लॉस परसेंट हो रहा था, ये निकाल रहे थे, इस बार हमें आर्टिकल के नंबर निकालने होंगे। बढ़ते क्वेश्चन पर करेंगे, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, क्वांटिटी एंड रुपीस। अब एक दुकानदार 11 नींबू 10 रुपये में ख़रीदता है और 11 रुपये में 10 नींबू बेच देता है, तो उसको क्या होता है, 42 रुपये का लाभ होता है। लाभ देने के लिए कितने नींबू बेचने होंगे, डायरेक्ट भी बताया था हमने, कैसे कर सकते हैं, इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है जी, और दूसरा तरीका हमने आपको बताया था, एक एक यानी 11 वस्तु का, जो हमारा 11 वस्तु कितने रुपए में, 10 रुपए में, तो एक वस्तु कितने रुपए की हो जाएगी हमारी, 10/11। इसी प्रकार यहाँ पर हो जाएगी 11 रुपये में 10 है, तो 1 रुपये में कितनी हो जाएगी, या एक आर्टिकल के को कितने रुपए में बेचा, तो यहाँ से भी 11/10 आ जाएगा। फिर क्या करते थे हम, इन दोनों का एलसीएम लेते थे, एलसीएम 110, 10 और 11 का एलसीएम कितना हो गया, 110। यहाँ से इसको आगे सोल्व कर लेंगे, 11 से काटेंगे, कितनी बार जाएगा ये हमारा, 10 बार, 10 के 10 में गुना तो 100, ये से 0 से 0, 11 के 121। ठीक है, जिस तरीके से हमने इसको कर लिया है, अब देखो कोई वस्तु 100 रुपये की थी, 121 में बेचे गया, तो कितने का लाभ हुआ है हमें यहाँ पर,
₹21 का, लेकिन जो क्वेश्चन में लाभ कितना प्राप्त करवाना है ₹42, यानी कि जो 21 यूनिट है कितने के बराबर है 42 के, इसका कितने गुना है 2 गुना। तो जो नींबू की संख्या होगी, कितने नींबू बेचे गए, वो क्या होती है, जो ये हमारा एलसीएम आया ये वाली हो जाएगी, यानी कि इसके दो यहाँ पे लिख दूंगा मैं नींबू, नींबूओं की संख्या क्या हो जाएगी हमारी 110 गुना 2 टाइम है तो 2 टाइम, यानी कुल 220 नींबू उसको बेचने होंगे ₹42 का प्रॉफिट लेने के लिए। ₹220 में बेच देगा, ₹42 का उसको प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम कर सकते थे। स्क्रीन शॉट ले लीजिए आप। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा। एक दुकानदार 5 नींबू ₹8 में खरीदता है, यानी कि 5 नींबू ₹8 में खरीदता है और ₹5 में 8 नींबू बेच देता है, तो ₹78 की हानि देने के लिए कुल कितने नींबू बेचे। ऑप्शन हमारा 80, 100, 160, 120। इस क्वेश्चन का आप हमें कमेंट करके आंसर बताइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम आपके कमेंट सभी कमेंट को चेक करते हैं, आपने क्या आंसर दिया है हम देखते रहते हैं। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर बताइए कमेंट कर। तो आज की वीडियो फिर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मैं आपसे फिर एक बार बता देना चाहता हूँ कि आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से कीजिए, अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी पढ़ाई में लगाइए, क्योंकि जल्द ही कुछ ही समय बाद UPSI की एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी। तो पूर्ण रूप से पढ़ते रहिए अच्छे तरीके से, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो लाइक करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें अपने दोस्तों में, जिससे कि उन बच्चों का भी फ़ायदा हो सके। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, धन्यवाद।